कुछ और पैकेजेस हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना चाहिए इन डीलिंग विद द डेटा एंड ऑल्सो इन डेटा विजुलाइजेशन। और वो दो तीन पैकेजेस अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से पैकेजेस ऐसे हैं जो स्टैट और मशीन लर्निंग, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग गाहे बगाहे साइड बाय साइड चलती हैं, तो इनके पैकेजेस जो हैं हम वो देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनको समझेंगे भी। ऑफकोर्स मशीन लर्निंग सारे के सारे हम नहीं करेंगे, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आप किस तरीके से काम करते हैं जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। ठीक हो गया, तो स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला जो हमारे पास पैकेज है दैट इज लुब्रिडेट। लुब्रिडेट इज अनदर पैकेज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा और टू डील विद द डेटा। तो मैं इस वजह से यहाँ पे इसको ऊपर जाके डेटा विजुअलाइजेशन से पहले एंड डेटा हैंडलिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लुब्रिडेट ये वाला पैकेज जो है इसे इंस्टॉल करते हैं और मैं इस पर रन पे क्लिक करता हूँ। एंड ऑफकोर्स अगर ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है देन आई विल नॉट डू दैट, बट अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। एंड दिस पैकेज एक्चुअली वर्क्स आल्सो विद द चीट शीट, तो मैं इसकी चीट शीट भी यहाँ से डाउनलोड करूँगा एंड देन आई विल शो यू दिस चीट शीट एज वेल। और इसको डायरेक्टली हम वहीं पे सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर, बेसिक्स में, चीट शीट में एंड लुब्रिडेट की चीट शीट। ठीक है, तो ये डेट टाइम के डेटा और बाकी किस्म के डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, खासतौर पे टाइम सीरीज के डेटा के लिए। एंड वी विल सी दैट जब भी आपके पास टाइम का डेटा आएगा तो ये वहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा। फिर हमारे पास जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो बेसिक पैकेजेस हैं उनकी हम बात करते हैं, और उसमें जो हमारे पास एक दो पैकेजेस थे उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं या अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहे। एंड लेटर ऑन वी विल सी कि हमने इन्हें यूज़ करना है, कैसे करना है और किस तरीके से ये हमारे पास काम आएंगे। तो पहला हमारे पास है आर जी एल को हम इंस्टॉल कर लेंगे। एंड देन हमारे पास जो दो और है मैं आपको बताने वाला था, मैप्स के लिए एक पैकेज है जिसका नाम है लीफलेट्स। तो ये हमारे पास लीफलेट ये पैकेज हमारे पास मैप्स के लिए यूज़ होता है, मैप्स बनाने के लिए। तो अगर मैं RGL को यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, इसको भी हम फिर ओपन करके देख लेंगे और फिर लीफलेट को। सो यहाँ पे अगर हम लीफलेट लिखें यू विल सी कि हमारे पास क्रिएटिव इंटीग्रेटेड इस तरीके से मैप्स बन के आएंगे जो लेट मी शो यू। अगर यहाँ पे इन्होंने कोई एग्जांपल दी हुई है तो वी ऑन क्रैन क्रैन पे देख लेते हैं। नोप, लीफलेट आर एग्जांपल्स। तो कुछ इस तरीके से मैप्स आप बना सकते हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव मैप्स होंगे जैसे गूगल पे गूगल मैप्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये हमारे पास आ गया जी RGL भी हो गया हमारे पास। अब जो अगला पैकेज है हमारे पास दैट इज शुड आई डू दैट, लेट मी सी, डी वाई ग्राफ्स। ये पैकेज जो है ये बेसिकली टाइम सीरीज के डेटा के लिए है। अगेन डी वाई ग्राफ्स समथिंग लाइक दिस। और ये भी आपको कुछ इस तरीके से टाइम सीरीज़ के डेटा को एनालाइज करने की हेल्प आउट करता है, खासतौर पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है। सो इस वजह से हम इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम सीरीज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैप्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3D प्लॉट्स। सो ये DY ग्राफ जो है ये बेसिकली इंस्टॉल करने का आपको फायदा ये है कि आपको एक माइंड सेट रहता है कि मैंने आगे भी कुछ करना है, नॉट आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर एग्जैक्टली। सो ये एक हो गया। देन वी गो टूवर्ड्स हमारे जो स्टेटिस्टिक्स के पैकेजेस हैं, ठीक है, खासतौर पर मशीन लर्निंग और स्टेटिस्टिक्स के पैकेजेस।